वर्ड्स बोले हम उनकी बात कर लेते हैं जी। रिकॉर्डिंग की बात हुई थी जी, फाइन, क्लासिफाइंग की बात हुई थी, समराइज करने की बात हुई थी, और क्या हुई थी जनाब? इंटरप्रेट करने की बात हुई थी, इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा एक वर्ड बोला गया था ट्रांसैक्शन। स्क्रीन तो नजर आ रही है जी अब आपको? जी लिया साहब आप ही बता दें, आपको नजर आ रही है? जी सर आ रही है। चले बस ठीक है, ओके। ये भी वर्ड बोलेंगे और हमने, मैं थोड़ा सा रीकैप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो हम जरा इस चीज को आज के हवाले से कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हमने बात की है, हमने ये बोला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है हमें समझना है, तो उसको समझने से पहले हम अकाउंटिंग को समझने में घुस गए। तो हमने अकाउंटिंग पूछा अवाम से, तो अवाम ने हमें बताई कुछ अल्फाज, ये प्रोसेसेस कह लें इनको कहा गया या ये टर्म्स यूज की गया, तो हमने कहा पहले इन टर्म्स को समझते हैं, देन वी कैन गो अहेड। रिकॉर्डिंग की बात हुई, क्लासिफिकेशन की बात हुई, हमने समझाई रिकॉर्ड करने का मतलब सेव करना होता है अकाउंटिंग ना भी हो तो, क्लासिफाई करने का मतलब उसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना है, समराइज करने का मतलब उसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन की समरी बनाना है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब उससे अगला स्टेप है, उससे अगला स्टेप इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम एक फार्मेसी में जाते हैं तो उसके पास जो कुछ भी स्टोर में पड़ा हुआ है, फार्मेसी के अंदर पड़ा हुआ है, वो समरी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है उसके पास, उस कंप्यूटर के अंदर। इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, हम प्रेजेंट करते हैं और उनको लगता है कि ये क्वांटिटी उनके पास आपको देने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ही नीड टू मेक सम डिसीजन, कोई फैसला करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर हैं आप खुद बिजनेस के मालिक हैं, आपको कोई डिसीजन करना पड़ेगा। वो डिसीजन क्या हो सकता है? वो डिसीजन ये हो सकता है कि जो चीज़ ख़त्म होगी आप उसको बाय करना पसंद करेंगे, मज़ीद बाय करें ताकि कल को कस्टमर आता है तो उसको वो चीज़ सेल की जा सके। आप ये जो फैसला करना चाह रहे हैं उसके लिए वो समरी आपको हेल्प कर रही है, वो जो समरी प्रिपेयर हुई है वो शायद उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर हुई है, वो जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पहले मौजूद थी तो उसको क्लासिफाई किया गया। सो हमने इसको एक किताब से भी समझा, एक बुक से भी समझा कि अगर एक किताब को, किसी भी टेक्स्ट बुक को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन सेव है, उस तमाम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई भी किया गया है इनटू द चैप्टर्स, उस तमाम इंफॉर्मेशन की समरी भी बनाई गई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, उस तमाम इंफॉर्मेशन की समरी की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, आप सर्च करते हैं और आपको नहीं मिलता, तो यू नीड टू डिसाइड कि आप कोई और किताब करें। तो इस सारी चीज़ों को आपने अकाउंटिंग से भी रिलेट किया है, हमने ये जनरली समझा। ट्रांजेक्शन बोला गया था, ट्रांजेक्शन कोई बला होती है, तो कोई बता सकता है ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? एनी वन? ये जो लोग वैसे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं मुझे अब समझ नहीं आ रही, अगर जो जनरल क्वेश्चंस हैं, वकास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछ लें जी, अगर आपका सवाल का जवाब हो जाए तो काइंडली अपना जो हैंड है वो लोवर कर लिया करें, आप खुद लोवर कर सकते हैं। चलें, वो कुछ इस तरह समझ नहीं आता ना कौन सवाल करना चाह रहा है जी। नेहा कोई बात करना चाह रही है जी? नेहा बात कर लें, शाइस्ता बात करना चाह रही हैं। सवालात के लिए किया था लेकिन मैं ट्रांजैक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। हमने एफसीएम में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं होता, कोई भी इवेंट होता, इवेंट वो मॉनेटरी नहीं, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सिर्फ कैश की लेन देन या कैश का कोई इवेंट नहीं, जैसे अगर हमने उधार पे किसी को माल पहुंचा भी दिया तो ये एक इवेंट हुआ ना, कुछ हुआ ना, काम हुआ, तो उसे भी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। सो ट्रांजेक्शन मीन्स इवेंट्स, इवेंट्स आप कह रहे हो मॉनेटरी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, am I right? Yes sir. अच्छा चलिए इस चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें, ट्रांजेक्शन इवेंट्स को ही कहते हैं लेकिन सिर्फ मॉनेटरी इवेंट्स को कहते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। अब मॉनेटरी से क्या मुराद है? मॉनेटरी से मुराद कैश रिसीव करना या कैश पे करना नहीं होता, ये वर्ड मॉनेटरी निकला हुआ है मनी से, जिसमें मनी इन्वॉल्व्ड है। एनी इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी
वो मॉनिटरी इवेंट कहलाता है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आप मार्केट जाती हो किसी, आप लाइक गारमेंट्स के स्टोर पे चले गए हो, आपने वहां पे कुछ कपड़े देखे हैं, आप देख के रैक में या जैसे डिस्प्ले में लगे हुए थे, आप निकलवाते हो सकता है आपने ट्राई भी किए हो, वो रेडीमेड गारमेंट्स थे, आपने उसको वापस कर दिए और आप उसके बाद वहां से निकल गए, तो इवेंट तो ये भी हुआ। मॉनेटरी इवेंट नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने उसको ट्राई किया, ट्राई करने के पैसे नहीं देने आपने उसको, आप अगर उसको बाय कर लेते हो उससे और पैसे नहीं भी देते, आप उसको कहते हो मैं कल, आपका कोई फर्ज कर लें फैमिली में जानने वाला है, आप उसके पास गए हुए हो, आप कल दे दोगे परसों दे दोगे, तो वो जो इवेंट हो रहा है बाय करने वाला, वो मॉनेटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में मेजरेबल है, कितनी वर्थ का है। आप दही बल्ले वाले से पूछिए। मैंने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं वो पैसे की सूरत। जी शाबाश, मैंने इसीलिए कहा इस चीज को क्लैरिफाई करें, मॉनेटरी का मतलब ही ये होता है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो, मनी का रिसीव होना या पे होना शर्त नहीं होती, ठीक है। तो जिस वजह से आप कह रहे हो ना कि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आती है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होती है वो मनी टर्म्स में मैयर तो हो जाती है, पे या रिसीव नहीं किए जाते पैसे, तो इसीलिए मॉनेटरी इवेंट्स को ही ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। बिकॉज एक बिजनेस के अंदर तो हजारों इवेंट्स होते होंगे, एक शॉपकीपर जो है वो सुबह आके शॉप ओपन भी करता है, कस्टमर जैसे आया, जैसे मैंने कहा आपने किसी से पूछा है हाँ जी ये चीज़ कितने की है, उसने आपको वैल्यू बताई, आप चले गए हो, इवेंट तो ये भी है। अगर आप किसी बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वो आपको अकाउंट ओपन करने का फॉर्म देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, आप अकाउंट ओपन नहीं करवाते, फॉर्म लेके वापस आ जाते हो, इवेंट तो ये भी है। तो ये सारे इवेंट जरूर हैं, बट ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है, राइट। हर वो इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी उसे मॉनेटरी इवेंट कहते हैं, और उस मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करना ये अकाउंटिंग के जिम्मे में अभी भी लोग लेके आए थे, ठीक है जी। मैं जरा इसको अब वाइंड अप कर रहा हूँ चीज को। ट्रांजेक्शन से मुराद अभी अभी जो बोला गया जी, ट्रांजेक्शन से मुराद ये बोला गया द इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस ऑन द बिजनेस बट दे आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। एनी इवेंट विच इज बीइंग टेकन प्लेस इन द बिजनेस वो मॉनेटरी नेचर का है, और मॉनेटरी नेचर से मुराद विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा अकाउंटिंग में, अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उसको क्लासीफाई भी किया जाएगा, रिकॉर्ड हो गया तो वो क्लासीफाई होगा, उसको समराइज भी किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट भी किया जाएगा। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, लाइक आप लोगों ने ICMA में क्लासेस अटेंड करने के लिए कुछ ड्यूज सबमिट करते हो आप, ऐसे ही है अभी, जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है ना, वैसे जब आप फिजिकल क्लासेस अटेंड करते थे तो रिकॉर्ड तो इस चीज का भी रखा जाता था कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, प्रेजेंट या एबसेंट मार्क होती थी, ऐसे ही है। यस और नो सर, आपकी आवाज कट रही है, अगर आप रिपीट कर दें। जी मैंने ये सवाल किया कि जब आप फिजिकल, अब आवाज आ रही है आपको? जी मैंने सवाल कर रहा हूँ, जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो आपके आने जाने का रिकॉर्ड भी रखा जाता था कि आपने क्लास अटेंड की है, प्रेजेंट या एब्सेंट, ऐसे ही होते हैं? जी वो जो प्रेजेंट एब्सेंट लग रही है, क्या वो ट्रांजेक्शन है? ओके चले, क्योंकि आवाज थोड़ी सी, वो नॉन मॉनेटरी में तो राइट, हाँ वो इवेंट तो जरूर है, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, लेकिन वो अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मतलब आपके नाम के सामने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जा रहा, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रेजेंट एब्सेंट मार्क की जा रही है। लेकिन अगर यही काम एक और इवेंट हुआ, आपने इंस्टीट्यूट को लेक्चर्स या क्लासेस अटेंड करने के लिए फी पे की है, तो रिकॉर्ड तो उसका भी रखा जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड जो रखा जा रहा है वो एक ऐसा इवेंट है विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाएगा। गॉट इट और नॉट जी? समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इनफैक्ट ये हमने जो बात अभी की है वो ये है कि अकाउंटिंग
एक प्रोसेस का नाम है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी मेरी बात अगर आप समझ पाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है जी। रिकाउंटिंग से हम लेके जा रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई भी करेंगे। अगर रिकॉर्डिंग होगी तो उस रिकॉर्डिंग की बेस पे क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन की बेस पे हम समरी भी बनाएंगे, समरी बन गई तो उसकी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, और ये इंटरप्रिटेशन, ये रिकॉर्डिंग, ये सारे के सारे जो काम हम कर रहे हैं, ये सारे काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन के साथ कर रहे हैं। फाइन, ट्रांजेक्शन किसके लिए हो रही है, ये अभी बार बार एक वर्ड और बोला गया था, वो था बिजनेस। तो इसका मतलब किसी बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा अकाउंटिंग में। लेकिन ये सारी बातें कर लेने के बाद मैं आपको फाइनली ये बताने लगा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो वी नीड टू लर्न इन फैक्ट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैं अभी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वो स्लाइड्स शेयर करूंगा और अभी बुक भी शेयर करूंगा, आपको कुछ पढ़ने का मौका दूंगा और कल हम इस पे मजीद बात कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट अकाउंटिंग जितनी भी अभी तक हमने बात की है, ये हमने कहा रिकॉर्ड कर लें, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट कर लें। हमें इस लेक्चर के शुरू में एक दोस्त ने बताने की कोशिश की थी कि इसका फायदा ये है, तो हमने कहा था फायदे की हम बात बाद में करेंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लें, क्लासिफाई, समराइज या इंटरप्रेट कर लें, यानी ये सारे काम कर लें, तो इससे किसी को बेनिफिट होगा। अगर किसी को इस सारे काम कर लेने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज या इंटरप्रेट कर लेने के बाद कोई बेनिफिट होगा, तो जिनको इससे कोई बेनिफिट होगा, दे आर कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स। तो आपने जो पढ़ना है किताब से या उन स्लाइड से या खुद अपनी अकल से, आपके इलम में भी होगा, आपने तलाश करने हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन से हैं। अगर आपको ये यूजर्स समझ आते हैं तो फिर हम लर्न कर सकते हैं कि व्हाट इज इनफैक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट टू गो अबाउट। सो सिंस टाइम हमारा खत्म हुआ चाहता है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इनफैक्ट थोड़ा सा के दरमियान में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते रहे और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था, थोड़ा सा हम एक दूसरे से फेमिलियर भी हुए आज। तो इंशाल्लाह मजीद बातों को कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई और अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है